Hey guys, it's your girl IndieKudi and welcome back to my channel. Today, I will be sharing this Valentine's Day makeup look. Now, if you are new here, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell icon. Now, let's begin. So, for my Valentine's Day makeup look, I am starting with my eye makeup. So सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से ये LA Girl Pro कंसीलर लगा रही हूँ एंड आई एम इन द शेड नेचुरल. सो यहाँ पे मैं इस तरीके से पहले अपनी आईलिड्स को प्रेप कर लेती हूँ. इससे क्या होता है, जो डार्कनेस होती है ना वो कवर हो जाती है एंड हमें एक क्लीन स्लेट मिल जाती है ताकि हम अपना आई मेकअप अच्छे से कर सकें. और इसके बाद यहाँ पे मैं ये ब्रश से इस तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ. आप चाहो तो अपनी फिंगर टिप से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो या फिर एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो. ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, बट मेक श्योर कि आप अपनी आईज को अच्छे से पहले प्रेप कर लो एंड देन ही आप अपना आई मेकअप करो. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं ये MyGlamm फेस किट ले रही हूँ और इसमें से ये जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है इसको यूज कर रही हूँ टू सेट माई आई. तो यहाँ पे इस तरीके से जब मैं पाउडर से इसको सेट कर देती हूँ तो जो मेरा कंसीलर है उसमें क्रीजिंग नहीं होगी एंड आई शेडो बस जाके ऐसे कंसीलर पे चिपक नहीं जाएगा, वो काफ़ी अच्छे से एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं ये हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने अमेजोन से लिया था एंड इस प्रोडक्ट की लिंक एंड इनफैक्ट पूरी वीडियो में मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं उन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हैं. सो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो. एंड इस तरीके से यहाँ पे मैं ब्लेंड करते हुए सबसे पहले ये डार्क ब्राउन शेड लगा रही हूँ. मेक श्योर आप इसको अपने आउटर कॉर्नर पे पहले ऐसे प्लेस करो, देन सर्कुलर मोशन में वहीं पे पहले थोड़ी देर ब्लेंड करो एंड देन विंडशील्ड वाइपर मोशन में आप इसको आगे तक अपनी क्रीज पे लाओ. इससे क्या होता है कि आगे आपका प्रोडक्ट कम डिपॉजिट होता है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेड लुक आता है. ना यहाँ पे मैं ये क्रीम शेड यूज कर रही हूँ एक क्लीन ब्रश पे. तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे एरियाज हैं इसे सॉफ्टन कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. तो क्या होगा कि लुक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील होगा. एंड आपने शायद नोटिस करा होगा लेकिन मैं जब भी आई शेडो लेती हूँ तो पहले उसे पैट करती हूँ, डस्ट ऑफ करके जितना भी एक्सेस है वो थोड़ा सा हटा देती हूँ. क्योंकि क्या होगा, अगर आप डस्ट ऑफ नहीं करोगे एंड डायरेक्टली अपनी आईज पे लगाओगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की पिगमेंटेशन ज़्यादा हो एंड देन ब्लेंडिंग में मुश्किल हो. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे ये लाइट ग्रेश शेड यूज़ करा है और इसे ये देखो मैं बस अपने आउटर कॉर्नर पे हल्का सा लगा रही हूँ जस्ट टू क्रिएट शेडो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एंडिंग पोर्शन में थोड़ा सा डार्क स्मोकी लुक भी आ जाएगा एंड वो इतना ज़्यादा भी डार्क नहीं लगेगा. तो ये लुक काफ़ी अच्छा बन के आता है. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो लाइट ब्राउन शेड है न्यूड शेड है इसको एक फ्लैट ब्रश पे ले रही हूँ और ये देखो इस तरीके से जो इनर सेक्शन है ना वहाँ पे लगा रही हूँ. आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि पहले कट क्रीज भी ड्रॉ कर सकते हो कंसीलर से, बट देन इस तरीके से लगाने से भी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है और ब्लेंडेड आ रहा है. सो मेरे को नीड फील नहीं हुई कि मैं पहले कट क्रीज क्रिएट करूं. इससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा ना मेरे पूरा आई शेडो लुक एकदम ब्लेंडेड आ रहा है. सो ये मेरा वैलेंटाइंस डे आई मेकअप है. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. और इस तरीके से दोनों आईज पे फ्लैट ब्रश से मैं इसको लगा रही हूँ. पिगमेंट आप हमेशा अपनी चॉइस के हिसाब से बिल्ड कर सकते हो, आपको जितना ज़्यादा अच्छा लगे उतना ही ज़्यादा और लेयर कर सकते हो. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक बारी सारे ये जितनी भी मैंने अलग अलग शेड्स लगाए थे इनको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ. तो क्या होगा काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेड आई लुक आएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग लेयर्स बनाई हैं, एकदम ग्रेडियंट लुक आएगा. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो वाइट शिमरी शेड है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए. और मैं क्या करूँगी, इसको अपनी आईब्रो बोन पे भी लगाऊंगी. तो उससे क्या होगा कि जो मेरा लुक है वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लगेगा. एंड आप भी ट्राई करना ये टेक्निक अगर आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं करी है तो. इसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी आईज को पहले मैं हल्का सा एक कोट लगा रही हूँ मैं मस्कारा की, सो दैट जब मैं फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी सो वो एक साथ लगेंगी, एकदम नेचुरल लुक देगा। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉल्सीज भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी हम एक बार ही थोड़ा सा कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा यूज कर रही हूँ और इस तरीके से भी लगा रही हूँ। लोअर लैशेस पे मैं नहीं लगाने वाली हूँ, वो मैं बाद में लगाऊंगी। ना फॉल्सीज ऑप्शनल है वैसे तो, बट आप खुद देखो कि फॉल्सीज लगाने के बाद ये आई मेकअप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये देखो दोबारा मैं एक बार अपनी फॉल्सीज को भी मस्कारा से कवर कर रही हूँ, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा नेचुरल आईलैशेस का इफेक्ट देती है एंड थोड़ी सी आपकी फॉल्सीज पर भी पिगमेंटेशन आ जाती है। अब बारी आती है हमारे वैलेंटाइंस डे लुक के बेस मेकअप की। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ। नाउ स्किन प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे ये रोज ऑटो ग्लो डे क्रीम यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आप कोई भी फेस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, फेस क्रीम यूज कर सकते हो, फेस ऑयल यूज कर सकते हो या सीरम भी लगा सकते हो। बट अगर आप सीरम लगा रहे हो देन टू आपको उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे मैं अंडर आई क्रीम यूज कर रही हूँ फ्रॉम सेंट बोटानिका। एंड मैं अंडर आई क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसे फिंगर टिप से वार्म कर देती हूँ एंड देन उसको मसाज करते हुए लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो कंसीलर जब मैं लगाती हूँ अपने अंडर आईज पे वो क्रीज नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करती हूँ अच्छे से। ये स्टेप भी आपको स्किप नहीं करना होता। Now I am using Forever 52 concealer and I am in the shade COV005. इसे मैं कलर करेक्शन के लिए यूज कर रही हूँ। सो जो मेरे फेस पे डार्क एरियाज हैं, जैसे कि मेरी अंडर आईज है, मेरे डार्क सर्कल्स हैं एंड लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन है, थोड़े बहुत ही कम हैं पिंपल मार्क्स, तो वहाँ पे लगा रही हूँ इसको इस तरीके से। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एक बार फ्लॉलेस बेस बन जाता है, स्किन थोड़ी सी इवन आउट हो जाती है। आप चाहो तो आप एक पीच कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हो या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊं कलर करेक्टर्स पे, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस तरीके से यहाँ पे ब्रश से अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आई फील कि जब मैं ब्रश से ब्लेंडिंग करती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवरेज मिलती है, वेयर एज अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ तो वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा सोक कर लेता है, तो ब्रश के कंपैरिजन में मुझे कम कवरेज मिलती है ब्लेंडर से। तो इसलिए आई प्रेफर ब्रशेस ओवर ब्लेंडर्स। बट अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सीमलेस या ब्लेंडेड लुक चाहिए तो आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। वैसे तो ब्रशेस से भी ब्लेंडेड लुक आ जाता है। एंड इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड 235। और इस तरीके से फ्लैट ब्रश से मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ अपने फेस पे। आप चाहो तो आप फिंगर टिप से भी लगा सकते हो, बट पहले मैं वैसे लगाती थी डॉटर फॉर्म में, लेकिन जब से मैंने फ्लैट ब्रश से लगाना स्टार्ट किया तो मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी और ज़्यादा कवरेज मिल जाती है। बेशक मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट कवरेज काफ़ी अच्छी मिलती है जब हम ब्रश से लगाते हैं तो। और इस तरीके से फेस के हर पॉइंट को मैं कवर कर रही हूँ। मेक श्योर आप अपनी हेयर लाइन के पास ज़्यादा यूज़ ना करो, वरना क्या होता है वो हेयर पे प्रोडक्ट लग जाता है ना, तो वो थोड़ा सा वाइटिश लुक देता है। एंड अपने नेक को स्किप नहीं करना है, अपने नेक पे भी प्रोडक्ट लगाना है सो दैट आपका फेस इवन लगे। इसके बाद अगेन ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ये देखो ये कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब ब्रश से लगा रही थी तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा फेस कवर कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश से एक बारी बस पैट कर रही हूँ एंड मेरा पूरा फेस कितना इजीली एंड क्विकली ब्लेंड हो गया है। सो इस तरीके से मेक श्योर आप अच्छे से ब्लेंड करो। आप क्या कर सकते हो, इसके बाद एक बारी आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आप सीधा अपने नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हो। नाउ मेरे वैलेंटाइंस डे लुक का नेक्स्ट स्टेप है हाईलाइटिंग। तो यहाँ पे मैं ये मार्स कंसीलर पैलेट यूज कर रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा सा अपने डार्क सर्कल्स के पास लगा रही हूँ। अभी ये देखो क्या है कि मेरा फेस इवन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए अब हमें जो हाई पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करना होता है। सो हाईलाइटिंग के लिए हम 1 या 2 शेड्स लाइटर कंसीलर यूज करते हैं हमारी एक्चुअल स्किन टोन से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्किन टोन का मैचिंग शेड है बस उससे 1 या 2 शेड लाइटर आपको एक कंसीलर का शेड यूज करना है हाईलाइटिंग के लिए। चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको एक काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक चाहिए सो मेक श्योर कि आप हाईलाइटिंग करो। इस तरीके से यहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ, इन एरियाज पे ही आपको भी कंसीलर लगाना है। इसके बाद अगेन 30 सेकेंड्स वेट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश से दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर आप एक ही ब्रश यूज करो ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग ब्रशेस यूज करोगे ना तो वो प्रोडक्ट सारे एक साथ एकदम मिले जुले एकदम ब्लेंडेड लुक नहीं देते, वो थोड़ा सा अलग अलग फील आती है। अगर आप कोई एक ही प्रोडक्ट यूज करोगे ना ब्लेंड करने के लिए तो उससे क्या होता है, आपका पूरा फेस एकदम एक ही साथ ब्लेंड हो जाता है और ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए हैं। नाउ ब्लेंडिंग के बाद मैं पाउडर पैकिंग के लिए यहाँ पे ये मेबलिन फिटिंग कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी यूज कर सकते हो या बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हो या लूज पाउडर्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया है वहीं पे एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से इसको लगा रही हूँ इस तरीके से। मेक श्योर जब आप पाउडर लगा रहे हो तो आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो। वेट भी कर सकते हो बट अगर आप ड्राई से करते हो ना तो थोड़ी सी बेटर कवरेज मिलती है पाउडर की। इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन वही फर्स्ट शेड यूज कर रही हूँ जो मैंने अपनी आईलिड्स पे किया था और इस तरीके से लोअर आईलैशेस के पास एकदम प्रिसाइजली लगा रही हूँ यहाँ पे टाइटली एंड दोनों आईज पे लगा रही हूँ। अभी भी ये देखो मैं इतने पतले फ्लैट ब्रश पे इसको यूज कर रही हूँ। देन टू आई एम डस्टिंग इट ऑफ। तो मेक श्योर आप भी जब आई शेडो लो तो पहले डस्ट ऑफ कर लो। बेशक आप बाद में पिगमेंट अगर बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। नाउ वो जो लाइट शेड था लाइट ब्राउन शेड उससे मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि काफी ज्यादा अच्छा ब्लेंडेड लुक आएगा लोअर आईलैशेस पे एंड इससे क्या होता है कि आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं वो भी छुप जाती हैं। यहाँ पे अपने वैलेंटाइंस डे लुक को थोड़ा सा और पॉपअप करने के लिए मैं ये वाइट काजल यूज कर रही हूँ। इस तरीके से जब मैं वाइट काजल लगाती हूँ ना तो ऑनेस्टली मुझे फील होता है कि मेरी आईज काफी ज्यादा बड़ी लग रही है एंड बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप चाहो तो एक ब्राउन काजल भी यूज कर सकते हो या फिर ब्लैक काजल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मेकअप में ऐसे कोई रूल्स नहीं होते, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब मेरा पूरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है तो मैं अपनी लोअर आईलैशेस को भी एक बारी बहुत ही लाइटली मस्कारा से कोट कर रही हूँ। मेक श्योर कि आपको लोअर आईलैशेस को भी कोट करना है, कहीं आप बाद में भूल ना जाओ। मैंने पहले इन्हें इसलिए कोट नहीं किया था क्योंकि मेरा बेस मेकअप नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपनी आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए पहले स्पूली से उनको अपवर्ड डायरेक्शन में कोम कर रही हूँ अच्छे से। इससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन या पाउडर लगता है वो हट जाता है। देन अब मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी ब्राउ पाउडर ले रही हूँ, बट जो इसका जेल आईलाइनर है मैं वो यूज कर रही हूँ फिल करने के लिए। मैं आर्च से पहले स्टार्ट करती हूँ एंड देन आगे की तरफ वर्क करती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी आईब्रोज काफी ज्यादा नेचुरल लगती हैं। एंड इसी तरीके से दोनों आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ। अगर आप प्रोडक्ट लेते ही उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे ना तो जितना भी प्रोडक्ट होगा ना वो स्टार्टिंग पे ही लग जाएगा एंड देन पूरी आईब्रोज आपकी एकदम एक ब्लॉक की तरह लगेगी। सो उससे बेटर है कि आप आर्च से स्टार्ट करो। नाउ फॉर कंटूरिंग आई एम यूजिंग द सेम आई शैडो पैलेट जिससे मैंने अपना आई मेकअप किया था एंड वही जो वार्म ब्राउन शेड से मैं वही यूज कर रही हूँ और इस तरीके से अपने एकदम जो चीक के हॉलोज हैं वहाँ पे इस तरीके से मैं ये शेड लगा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड करते हुए लगा रही हूँ। मैंने क्लिप को थोड़ा सा फास्ट करा है तो आपको ये प्रोसेस फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको ब्लेंडिंग के लिए अपना टाइम लेना है, प्रॉपरली ब्लेंडिंग करनी है। एंड यहाँ देखो जॉ लाइन के पास आपको हमेशा ऐसे नीचे की साइड पे प्रोडक्ट को लगाना है। अगर आप एकदम फेस के पास ही एजेस पे लगाओगे तो वो हार्श लाइंस दिखती हैं फेस पे। सो उससे बेटर होता है आप लाइंस के नीचे की तरफ ड्रॉ करो। एंड इस तरीके से अपने फोरहेड पे भी मैं कंटूरिंग कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ आपको भी वहीं पे ही करनी है। एंड नोज के लिए मैंने यहाँ पे एक पतला सा ब्रश लिया है और इस तरीके से ब्लेंड करते हुए अपने नोज की जो ब्रिज बोन है उसके पास मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। कंटूरिंग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वरना आपका फेस ना काफी ज्यादा फ्लैट लगता है, तो फेस को डायमेंशन देने के लिए इस तरीके से कंटूरिंग करनी पड़ती है। और अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वो सेम जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर था उस पर लूज पाउडर लेकर इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखो, आपको इस तरीके से पाउडर लगाना है, तो इससे क्या होता है काफी ज्यादा चिजल लुक आता है। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स ब्लश स्टिक, और इनकी भी शेड्स एंड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, सो गो चेक देम आउट। ये प्रोडक्ट्स आप बाय करो, ट्राई करो कि आप भी ये लुक को रिक्रिएट करो एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशन। और इंस्टाग्राम यूजर नेम भी मेरा IndieKudi है, सो वहाँ पे आप मेरे को टैग कर देना। नाउ अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ये इनसाइट मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। मेकअप फिक्सर से क्या होता है, आपने जितने भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाए होते हैं ना वो मेल्ट हो जाते हैं एंड आपका फेस काफी ज्यादा नेचुरल लुक देता है। इसके बाद मैं यहाँ पे अगेन शुगर कॉस्मेटिक्स की हाईलाइटर स्टिक यूज कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक क्रीमी हाइलाइटर है और इस तरीके से अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, जहाँ पे पहले मैंने कंसीलर से हाइलाइटिंग करी थी। तो क्या होता है, जब आप पहले हाइलाइटिंग कर देते हो एंड देन उसके बाद जब हाइलाइटर लगाते हो ना, तो आपके लुक में चार चांद लग जाते हैं। आपका लुक बहुत ही ज्यादा ही सुंदर लगता है एंड फ्लॉलेस लगता है एंड काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। सो इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ MyGlamm अल्टीमेट लिपस्टिक। ऑनेस्टली ये लिप शेड मेरा बहुत ही ज्यादा ही फेवरेट है, मतलब ये मुझे न्यूड शेड्स में सबसे ज्यादा अच्छा शेड यही लगता है। तो इस तरीके से अपने लिप्स को इससे ड्रॉ करने के बाद एंड फिल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारा वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक है तो मैं ये रेड लिपस्टिक भी यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पे मिड सेक्शन पे ही लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। And this is my Valentine's Day makeup look. I hope you guys loved it. Do let me know in the comment section if you have any suggestions. Also, don't forget to subscribe my channel and share this with your friends. See you next week. Bye.